हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से HSC यानी कि 12th के रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, ये महाराष्ट्र एग्जामिनेशन 2023 रिजल्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। और ये 2 बजे बेसिकली आने वाला रिजल्ट है, ठीक है। तो अभी 2:04 हो रहे हैं, यानी कि रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आपको ये पेज दिखाई देता होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। एटलीस्ट आपके पास टोटल ऐसे 6 लिंक है जहाँ पे आप रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है यहाँ पे दिख रहा है HSC एग्जामिनेशन February 2023 रिजल्ट, यानी कि जो आपने फेब मार्च में एग्जाम दिए थे उसके बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया जिसमें आपके रोल नंबर्स है और मदर नेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप अपना सीट नंबर एंटर करोगे, जो भी आपका सीट नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सीट नंबर डालता हूँ और यहाँ पे एक मदर नेम डाल देता हूँ, ठीक है। आप मदर नेम पूरा भी डाल सकते हो या तो आप कोई 3 अल्फाबेट भी डाल सकते हो, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट, ठीक है, कोई भी नहीं, स्टार्टिंग के 3, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया मैंने ANI। तो इस तरीके से मेरे सामने रिजल्ट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट ओपन भी हो गया है और यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है वो है HSC एग्जामिनेशन February 2023 के रिजल्ट, जिसमें कैंडिडेट नेम है, मदर नेम है, ठीक है, और सीट नंबर्स है और डिवीजन से। याद रखिए, अगर मदर नेम आपके 3 अल्फाबेट से नहीं आया तो आप उसको पूरा डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब मदर नेम का पूरा अल्फाबेट डालिए, ठीक है, वहां से डाल के आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है 1449 50 51 52, इस तरीके से सब्जेक्ट आ गया है आपका इंग्लिश, हिंदी, फिर इकोनॉमिक, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, साइंस के बच्चे हो तो हिंदी इंग्लिश, एंड देन उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो उस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। मार्क्स ऑफ्टेन, आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, एंड टोटल आपको मार्क्स कितना मिला हुआ है वो, एंड देन परसेंटेज यहाँ पे होगा आपका, एंड देन आपको रिजल्ट में लिख के आएगा पास या फेल, ठीक है। जो बच्चे पास हो गए तो उनको कोई आप कोई टेंशन नहीं है, देखिए आप जो उनका फर्दर स्टडी है वो उस पर अप्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप ऐसा प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने का मतलब ये कि आप उसको PDF फाइल में सेव कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे सेव ऐसा PDF फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो और यहाँ पे आपको सेव बटन दिखाई दे रहा है, तो सेव करके आपको ऐसा रख लेना है, आप जहाँ पे भी चाहते हो उसको सेव करना वहाँ पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से सेव कर लेना है। तो ये आपके पास PDF अवेलेबल होगा, लेकिन जो उसका फिजिकल और लीगल जो कॉपी है वो आपको स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, जो स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, अराउंड ऐसा कुछ 6 जून तक आपको इसके जो फिजिकल्स है वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको, हाँ, 5th ऑफ जून, ठीक है, 5th ऑफ जून पे आपको मार्कशीट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 बजे कॉलेज में अवेलेबल हो जाएगा। आपके जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहां पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। याद रखिए, मार्कशीट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन 5th जून 2023, ठीक है, afternoon 3 PM ऑनवर्ड ये आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में मिल जाएंगे, मतलब आपके कॉलेजेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आप अपने फर्दर एजुकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको अब क्या करना है, आपने बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेज में एडमिशन भी ले लिए होंगे। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।